हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत वेलकम। आज वेनसडे है, गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है। मुंबई में 35 डिग्री का टेम्परेचर था आज। आप देख सकते हैं कि अभी भी पसीना आ रहा है मुझे। तो मेरा जो अभी जो चैनल है वो स्टार्ट ही हुआ है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके सामने मैं जो भी वीडियोस बनाऊँ एकदम सच सामने रखूँ, और किसी भी तरह तरह का फेक इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँचाऊँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना मैं आपको एंटरटेन कर सकूँ वीडियो के माध्यम से, वो मैं करने की कोशिश करूँगा आगे भी। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेडमी नोट 5 का अनबॉक्सिंग और कुछ खास बातें रेडमी नोट 5 के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप बॉक्स देख सकते हैं, मैंने फ्लिपकार्ट से बुक किया था। जिस दिन इसका फ्लैश सेल था उसी दिन मैंने बुक किया था, ठीक 12 बजे। और विद इन मेरे बुकिंग के बाद, जो कि मुझे आई थिंक 5 सेकेंड्स लगे थे, और विद इन 10 सेकेंड वो आउट ऑफ सेल हो गया था, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। सोच सकते हैं कि लोग कितने बेसब्री से इसका फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। और जो कि रेडमी 4A, रेडमी वाई सीरीज़ और रेडमी नोट 4 की जो काफ़ी लोग प्रभावित थे और बहुत ज़बरदस्त सेल हुई थी, और इन्हीं सब फ़ोन की वजह से रेडमी को नंबर 1 का स्पॉट मिला था। तो जो रेडमी ने अपनी जो क्वालिटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर दी है, और काफ़ी अच्छे फीचर्स दे रहा है कम दामों पर। इसी खासियत की वजह से लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं रेडमी का फ़ोन, क्योंकि बाकी ब्रांड्स अगर हम देखने जाए तो यही सारे फीचर्स को फ़ोन में देते हैं, लेकिन काफ़ी ऊंचे दामों पर देते हैं, और रेडमी कम दामों में सब सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। और रेडमी नोट 5 का अनबॉक्सिंग मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, लेकिन इसी कुछ खास बातें हैं जो मैंने नोट की है कि काफ़ी लाइट वेट है ये वाला फ़ोन जो है नोट 4 के मुकाबले। ये फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी स्लिम है उसके कंपैरिजन में, और फ़ोन काफ़ी हल्का सा स्लिपरी भी है, लेकिन रेडमी ने उसको ओवरकम करने के लिए आपको एक सिलिकॉन कवर दिया हुआ है जो कि ग्रिप काफ़ी अच्छी देता है, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है कवर की। और मैं आपको रेडमी नोट 5 का एक हफ्ते के यूज़ करने के बाद उसका एक अलग से वीडियो मैं पोस्ट करूँगा, ताकि मैं और डिटेल आपको बता सकूँ फ़ोन के बारे में। फिलहाल मैंने अनबॉक्सिंग की है, और आगे हम चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ, देखते हैं क्या क्या रेडमी ने प्रोवाइड किया है नोट 5 के बॉक्स के साथ। तो ये जो पैकेज आया है वो फ्लिपकार्ट की तरफ से आया है, और इस बार की जो फ्लिपकार्ट की जो सर्विस है वो काफ़ी प्रभावित की है मुझे, कि एक ही दिन में मुझे ये पैकेज डिलीवर हो गया। और आप देख सकते हैं कि जो बबल प्लास्टिक है वो उस पर लगाया हुआ है, और पैकिंग काफ़ी अच्छी थी और डिलीवरी भी काफ़ी फास्ट हुई है। और ये रैपर खोलने के बाद मैं फ़ोन का जो प्लास्टिक है, ऊपर का प्लास्टिक कवर है, वो निकालने वाला हूँ। इसमें एक ख़ास बात इस बार की ये देखी गई कि प्लास्टिक को आगे से थोड़ा ओपन रखा गया था, ताकि आप इजीली उसे अनरैप कर पाएँ, आपको ब्लेड या कैंची वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे खोलने के लिए। और काफ़ी प्रभावित हूँ मैं स्टार्ट से। लेट्स सी अंदर और कितना प्रभावित करता है रेडमी हमें। जो सील है वो अनब्रोकन है, तो मैं इसे खोलने वाला हूँ। ये हमने ओपन किया हमारा बॉक्स, और ये जो है इसमें कवर दिया गया है रेडमी ने, जो सिलिकॉन प्लास्टिक कवर है, इसको हम बाद में आपको खोल के दिखाएंगे। और बीच में जो एक स्पंज दिया गया है उसी साइज़ का, ताकि प्रोटेक्शन एक बना रहे। हम फ़ोन निकाल लेते हैं। उनकी साइज़ आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट रेडमी नोट 4 जैसी ही है, लेकिन जो बेजल लेस स्क्रीन मैंने की गई है काफ़ी हद तक अच्छी है।
साथ साथ में जो यूज़र मैनुअल है वो दिया गया है इंग्लिश में, साथ में यूएसबी पोर्ट दिया गया है जो कि नॉर्मल है सारे फोन एंड्रॉयड फोन में लगता है, और एक एडाप्टर दिया गया है इस फ़ोन के साथ जो कि का लाइक पहले के मुकाबले वाले फ़ोनों की तरह ही MI A1 के साथ भी ऐसा ही एक एडाप्टर आया हुआ था, बड़ा एडाप्टर है, और साथ में पिन दी गई है ताकि आप सिम कार्ड या कार्ड वगैरह डाल सकें। यूएसबी पोर्ट सेम ही है ताकि आप ये चार्जर दूसरे फ़ोन में भी यूज़ कर सकें, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो फ़ोन के चार्जर हैं आप वही फ़ोन का चार्जर यूज़ करें ताकि उसकी बैटरी डैमेज ना हो। फ़ोन काफ़ी स्लिम है, काफ़ी हल्का है, पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर है, फ्लैश लाइट है और सिंगल कैमरा है इसमें, नोट प्रो में डुअल कैमरा है। उसे ओपन करते हैं, फील जो है वो काफ़ी मुझे अच्छी लग रही है इस फ़ोन की, जो ग्रिप भी है वो काफ़ी बढ़िया है, इतना बड़ा स्क्रीन होने के बावजूद भी फ़ोन को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है वो आपके हाथ में आराम से बैठ जाएगा और पॉकेट में भी आपके इजीली फिट हो जाएगा। ऊपर में फ्लैश लाइट भी दी गई है इस फ़ोन के साथ जो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन जैसे ही आप फ़ोन कम लाइट में यूज़ करेंगे वो फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। लैंग्वेज जो है वो हमने कर लिया है सेट इंग्लिश, और अब आते हैं रीजन में इंडिया ढूंढते हैं, और ये रहा इंडिया, इंडिया को सिलेक्ट किया। अब आगे बढ़ते हैं तो ताकि आपको पर्सनलाइज जो भी अपडेट है वो मिलते रहे इंडिया के हिसाब से। कीबोर्ड में इस बार दो ऑप्शन है आपके पास, और मैं गूगल कीबोर्ड ही सिलेक्ट करूँगा बिकॉज़ पिछले एंड्रॉयड फ़ोन में भी मैं उसका मुझे हैबिट हो चुकी है। इस बार कीबोर्ड में हमें एक नया ऑप्शन देखने को मिला है कि आपके पास चार थीमें सिलेक्ट करने के लिए, वाइट, ब्लैक, ब्लू और ऑलमोस्ट डार्क पिंक जो है, और मैंने पिंक सिलेक्ट करके मैं आगे बढ़ चुका हूँ। कुछ नया फील मिलेगा पिंक कीबोर्ड के साथ। टर्म्स एंड कंडीशन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जो मेरा फ़ोन है वो सेटिंग इनिशियलाइज कर रहा है, सिम कार्ड इसमें मैंने अभी तक यूज़ किया है नहीं बिकॉज़ नया फ़ोन है, मैं इसमें कोई भी गूगल अकाउंट वगैरह सेटअप नहीं करना चाहता बिकॉज़ मैं आपको खाली इसकी अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ, जो मैं आगे फ़ोन यूज़ करके से क्या क्या फीचर्स है और फंक्शनलिटी के हिसाब से है वो एक मैं नए वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में खाली मैं इस फ़ोन को इसकी सेटिंग प्रॉपरली सेट करके इस फ़ोन को ऑन करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ओर है, और जब तक सेटअप कंप्लीट हो रहा है मैं आगे बता देता हूँ कि साइड में वॉल्यूम बटन्स है, लॉक बटन है, और यहाँ पर आपके सिम इजेक्ट करने के लिए ट्रे है। ऊपर जो है हेडफोन जैक था, नीचे जो डुअल स्पीकर है और चार्जिंग पॉइंट है। डुअल स्पीकर खाली आपको दिखाने के लिए है, एक्चुअली है एक ही स्पीकर, और हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। सो इस तरह तो आई होप आपको अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी, और अगर आपको किसी भी चीज़ से असहमति है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो भी चीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया उसे हाईलाइट कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। एंड आप कुछ नई चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप कुछ रिसर्च कर रहे हो और आपको कुछ सही ढंग से पता नहीं चल रहा हो, और अगर आप वो मेरे माध्यम से आप जानना चाहते हैं तो कृपया वो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। जैसे कि आपको मालूम है कि मेरा नया चैनल है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक्स करिए और शेयर ज़रूर करिए, बिकॉज़ इसी चीज़ के लिए हम जो यूट्यूबर्स हैं काम करते हैं। पैसा तो फ़िलहाल मुझे मिलने वाला है नहीं, जो फिलहाल मेरी पूंजी है वो आपके प्यार है, जो कि आपका प्यार मुझे आप लाइक्स, सब्सक्राइबर और शेयर के थ्रू आप दे सकते हैं। तो
प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि मैं आगे और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने ला सकूं। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।